हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube परिवार में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा पशुओं में होने वाली ब्रुसेलोसिस के बारे में कि ये हमारे पशुओं में ब्रुसेलोसिस है वो किन कारणों से होता है, हो जाए तो हमारे पशुओं में क्या लक्षण दिखाई देते हैं और अगर इसका जो ट्रीटमेंट है वो हमें क्या करवाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है और इसमें जो बैक्टीरिया है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। जैसे बड़े पशु है उनमें होता है ब्रुसेला एबोर्ट्स बैक्टीरिया के कारण यह डिजीज फैलती है और जो छोटे जो भेड़ बकरियां होती है, भेड़ में ज्यादातर होती है, तो उनमें क्या होता है ब्रुसेला ओविस प्रजाति का जो बैक्टीरिया है उसके कारण होती है। और जैसे COVID-19 है उसकी शुरुआत चीन से हुई थी, वैसे ही ब्रुसेला 19 की शुरुआत भी चीन से ही हुई थी। इसमें क्या वहां पर कुछ जो वैक्सीन थी, एक्सपायर वैक्सीन थी, उनको खुले में फेंक दिया था जिसके कारण ये बैक्टीरिया है वो हवा में फैल के वहां के काफी लोगों को इन्होंने इन्फेक्टेड किया था। वहां पे काफी लोग इससे रोग ग्रसित हुए, उनमें काफी बुखारें आई थी। बाद में उनमें क्या हुआ वो धीरे धीरे मनुष्य से जानवरों में फैलने लग गया, इसलिए इसको जूनोटिक डिजीज भी कहते हैं। और ये अभी इसकी स्थिति ऐसी बन गई है, बाद में पूरे विश्व में तो फैल गया लेकिन धीरे धीरे इंडिया में आ गया। इंडिया में आने के बाद में क्या हुआ, उनके यहाँ के जो मनुष्य थे, आदमी थे, उनमें तो इसकी जो एंटीडोट एंटी सीरम बन गया वो लगाते ही इनमें राहत मिलने लग गई, उनमें तो ये डिजीज कम होती गई। लेकिन जो हमारे पशु है उनमें ये एंटीडोट एंटी जो सीरम इसकी वैक्सीन अभी आई है, जस्ट ज्यादा समय नहीं हुआ उसके उसको आने में, इसलिए हमारे पशुओं में ज्यादातर यही रोग के कारण अबॉर्शन की स्थिति बन जाती है। और साथ ही इस रोग को अन्य अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे संक्रामक गर्भपात हो गया, कुछ जगह पर इसको वेंगस रोग भी बोलते हैं। और मनुष्य में अगर ये डिजीज होती है तो उसको अंडुलेट और माल्ट फीवर के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो था उसके ब्रुसेलोसिस के बारे में परिचय। दूसरा, अगर हमारे पशु में हो जाए तो इसका हमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं हमारे पशुओं में, जो फ्रेंड्स आपको बता दूं ये ज्यादातर तो भेड़, गाय और भैंस में देखी जाती है। और बाद में क्या होता है, इसमें जो हमारे पशु की थर्ड जो ट्राइमिस्टर होता है बहने का, तीसरी जो तिमाही होती है उसमें, जैसे 6 से 9 महीने की जो तिमाही थर्ड ट्राइमिस्टर होता है उसमें पशु में ब्याने से पहले ब्याने के जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। दूसरा, उसमें आरओपी रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा की स्थिति बन जाती है और जो उसका प्लेसेंटा जिसको अपन जेड बोलते हैं उसमें भी क्या होता है वो भी एक चमड़े की भांति हो जाती है। साथ ही साथ जो मादा पशु है उनके आयन अर्डर में लिम्फ नोड में क्या होती है सूजन आ जाती है और जो नर पशु है उनके क्या होते हैं वृषण कोष में सूजन आ जाती है। और जब हमारे पशुओं में मतलब ये डिजीज थोड़े लंबे समय तक रहती है तो उनके अगले जो पैर होते हैं, अगले जो पैर के जॉइंट होते हैं उनमें क्या सूजन आ जाती है जिसे हाइग्रोमिया बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक जूनोटिक डिजीज है, मनुष्य से जानवरों और जानवरों से मनुष्य में फैलती है। बात करें इसके जो ट्रीटमेंट की वो की ज्यादा कारगर साबित नहीं होता है, लेकिन हमें इसमें एंटीबायोटिक जो इंजेक्शन आते हैं वो हमें इसमें लगाते हैं। और आपको मैंने काफी बार बता दिया है कि जितने भी जो बैक्टीरियल डिजीज है उनमें हमें पेनिसिलिन ग्रुप हमें लगातार लगाना है जब तक पशु हमारा रिकवर ना हो जाए। तो इसमें में क्या करना है, हमें पेनिसिलिन आ गया, स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन आ गया, वो हमें हमारे पशुओं में लगातार लगाना है। दूसरा जो इंजेक्शन लेना है वो हमें ऑक्सीटेट्रा साइकिल एले आता है वो लगाना है इंट्रा मस्कुलर 10 से 15 ml पर डोज के हिसाब से। साथ ही जब आपने ये जो ट्रीटमेंट कर दिया लेकिन साइड थेरेपी के रूप में हमें एग्रीमेंट जो बोलस आते हैं वो एक एक बोलस हमें पर डे के हिसाब से हमारे पशुओं में दिलाने चाहिए जो पशु ब्रुसेला से ग्रसित है। और ये तो था इसका जो ट्रीटमेंट जिससे पशु हमारे पशुओं में ये डिजीज हो गई है। लेकिन जब हमारे पशु में क्या होता है, एक बार तो ये ठीक हो जाती है इस ट्रीटमेंट के साथ में, लेकिन बाद में क्या होता है अगली बार ब्याज के समय ये वही स्थिति फिर से दोहराई जाती है इस ब्रुसेला एबोर्ट्स वायरस के द्वारा। तो हमें जैसे गाय में तो ये ज्यादातर यही होता है कि उसमें बांझ पर आने लग जाता है, वो गैबिन ठहरती नहीं है, और जो भैंसे होती है उनमें गैबिन तो ठहर जाती है लेकिन थर्ड ट्राइमेस्टर फिर से उनमें एबॉर्शन की स्थिति बन जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, उसकी एक वैक्सीन आ रही है वो हमें वैक्सीन हमारे पशुओं में एक बार लगवानी है, उसके बाद में उसका जीवन भर उसका टाइम पीरियड है वो चलता रहेगा। जैसे ब्रुसेला एबोर्ट्स जो नाम से जो मार्केट में वैक्सीन आ रही है वो हमें हमारे पशुओं में लगानी है और अभी तो सरकार ने उसको फ्री भी कर रखा है। तो फ्रेंड्स, ये तो था पशुओं में होने वाली ब्रुसेलोसिस डिजीज के कारण, लक्षण व उपचार। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कीजिए, आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियो लाता रहूंगा। और साथ ही आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।